नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। मध्य प्रदेश में यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी का यातायात पुलिस ने चालान काट दिया। गलत जगह पर पार्किंग करने और गाड़ी में हूटर लगाने के चलते खंडवा यातायात पुलिस ने उन पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल शंकर लालवानी की गाड़ी खंडवा में मुंबई बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। शंकर लालवानी रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, उसी दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी थी। इस पर पहले तो उनकी गाड़ी को यातायात पुलिस ने लॉक कर दिया और फिर नो पार्किंग जोन में खड़ी होने का चालान काट दिया। इसके अलावा यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गाड़ी में लगे हूटर पर भी चालान काटा। चालान काटने के बाद बीजेपी सांसद को वहां से बाइक पर बैठकर घर जाना पड़ा। बाद में उनके ड्राइवर ने गाड़ी का जुर्माना भरा। गौरतलब है कि खंडवा में 30 अक्टूबर को लोकसभा उपचुनाव होने हैं, इसके चलते आचार संहिता लागू है। ऐसे में सांसद की गाड़ी पर लगे सांसद की प्लेट और स्कूटर पर आचार संहिता उल्लंघन की भी कार्रवाई हो सकती है। खंडवा के सूबेदार यातायात देवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि आचार संहिता लागू है, इसी कारण सांसद लिखी ये गाड़ी पकड़ी गई है। ये इंदौर के सांसद की गाड़ी है। ये गाड़ी एक होटल के सामने नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। इसमें हमने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।